हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सबको। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 9 सितंबर, हाँ जी दोस्तों 9 सितंबर को लोक अदालत लगने वाली थी, लेकिन 9 सितंबर को लोक अदालत नहीं लगी। तो दोस्तों 9 सितंबर को जो लोक अदालत नहीं लगी उसका कारण था दिल्ली के अंदर G20 समिट चल रहा था, जिसके कारण लोक अदालत को कैंसिल कर दिया। अब इसकी डेट आगे बढ़ा दी है। अब ये लोक अदालत कब लगेगी इसकी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, RTO से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी लोक अदालत के बारे में देते हैं। दोस्तों ये है वो नोटिस जो दिल्ली विधिक सेवा द्वारा जारी किया गया है और इसमें साफ साफ बताया गया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि G20 समिट के चलते जो लोक अदालत 9/9/2023 को लगने वाली थी वो G20 समिट के चलते कैंसिल कर दी गई है और आने वाले अगले महीने में यानी कि दोस्तों अक्टूबर में, अक्टूबर की 10 तारीख को संडे के दिन ये लोक अदालत लगेगी। और ये लोक अदालत कहाँ कहाँ पे लगेगी दोस्तों इसका ध्यान रखना, 30 हजारी कोर्ट, कड़कडूमा कोर्ट, पटियाला हाउस, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट और द्वारका एंड राउज एवेन्यू कोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट में आपको बता दूं बाल भवन के पास है ये, उसमें लगेगी। तो दोस्तों तारीख फिर से याद कर लेना, 8 अक्टूबर 2023 को ये लोक अदालत लगेगी। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लोक अदालत 8 तारीख को लगेगी, लेकिन इसके जो चालान होंगे वो लगभग 3 या 4 तारीख को डाउनलोड होंगे। तो जैसे ही इसका लिंक आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो आपको चालान पहले से डाउनलोड करके रखने हैं, तभी आप 8 तारीख को यानी कि 8 अक्टूबर को अपने लोक अदालत में चालान भर पाएंगे। अगर आप अपने चालान डाउनलोड नहीं करते हैं तो 8 तारीख को आपका चालान नहीं भरा जाएगा। तो चालान डाउनलोड करने का लिंक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि जब भी इसका लिंक आएगा उसकी जानकारी आएगी, मैं उसका वीडियो तुरंत बनाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आपको पता लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो लिंक है लगभग 2-3 घंटे ही एक्टिव रहता है, सभी लोग अपने चालान डाउनलोड कर लेते हैं। चालान डाउनलोड करने की एक लिमिट होती है, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा और बाद में अगर आपने देखा तो आप चालान डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे कहता हूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लिया करें, ताकि आपको सारी जानकारी समय पे मिल सके। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी लोक अदालत के बारे में, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।